राशिफल के अनुसार आज यानी 13 मार्च का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से बिताना होगा। आप अपने माता पिता के साथ में कुछ समय अकेले में बैठकर बातचीत करें। आपके माता पिता आज अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आज आपके कार्य की अधिकता के कारण आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपने जो भी अपनी संतान के लिए धनराशि इकट्ठा की थी आज उसे खर्च करने का समय आ सकता है। अपने बच्चों के करियर के लिए वो धन खर्च कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको नसों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। यदि आपकी ये समस्या पुरानी है तो आप अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपको अग्नि दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है आज, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आप आंखों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आज आप आंखों में पानी गिरने या जलन के आदि से बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। आंखों के मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ में बातचीत जारी रखें और गंभीर मामलों में उनके साथ बैठकर डिस्कस भी करें और परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश भी करें। संभावना है कि आपको अपने पार्टनर की ओर से बेहतर सुझाव प्राप्त होगा। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आपकी सेहत में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें और दवाइयां समय पर खाएं, इससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई है तो आप उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे और आपके परिवार के सदस्य आपकी बहुत अधिक प्रशंसा भी करेंगे। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपको अस्थमा है तो अस्थमा के रोगियों को आज बहुत अधिक सावधान रहना होगा, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए कोई उपहार ले सकते हैं, जिससे आज आप दूसरों का भी दिन बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आज आप प्रसन्नता से सारे कार्य करते नजर आएंगे और आपका शरीर भी एकदम फिट रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज गर्भवती स्त्रियों का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयां पहले से ही लाकर रखें। वहीं आज और लोगों की सेहत की बात करें तो सेहत के लिहाज से फिट रहने के लिए अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन और अपना मनपसंद कार्य शामिल कर लें। आप अपनी लाइफ में जितना मस्त रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, चिंता मुक्त होकर जीवन जिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप अपनी संतान के स्वभाव को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, उनके विवादों को उन्हें खुद ही सुलझाने दें। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है और वो मिट्टी खाता है तो आप उस पर खास नजर रखें, अन्यथा बच्चों को पेट में परेशानी हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आज आप सरकार के झमेले में भी फंस सकते हैं। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, त्वचा के रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप अपने चेहरे पर अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करें। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपके परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आज आप किसी प्रकार का मसाले वाला भोजन न खाएं, आपको एसिडिटी की समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। जो जातक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आज उनके घर में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपके घर का माहौल खराब हो सकता है, परंतु आप अपनी समझदारी के साथ घर के माहौल को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करें। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। यदि आपको अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार की असहजता महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे खेल कूद के समय आप उनके आसपास रहें,
अन्यथा उनको चोट लग सकती है। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो बदलते मौसम के कारण आपको बहुत अधिक बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। ऐसे ही अपना रोज का राशिफल जानने के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।